बलिराम कश्यप के बेटे दिनेश कश्यप, दूसरे का नाम केदार कश्यप, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, ठीक है ना, इसी जिले में दो आपको उदाहरण मिल जाएंगे, है ना, इसी प्रदेश में दो उदाहरण, फिर राजनाथ सिंह उसके बेटे, अमित शाह उसके बेटे, और वसुंधरा राजे सिंधिया उसके बेटे, और उसके भतीजे नए पहुंच गए, परिवार हमारे उनके पास है। हमारे पास जो परिवार, जिस परिवार की बात करते हैं, उन्होंने देश की शहादत दी है, इंदिरा जी ने शहादत दी है, राजीव जी ने शहादत दी है, देश के निर्माण में उनका योगदान है, और आज देश के, देश को जोड़ने के लिए राहुल जी खुद पदयात्रा किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी बताएं, पदयात्रा किए हैं, मतलब रथ यात्रा करते हैं, और किसके लिए, राम के लिए, राम तो 14 साल पहले थे, और इसीलिए कहा गया है रावण रसी रथ रख, अभी वोट के लिए राम को भजते हैं हम लोग, हमारे जो राम है वो वनवासी राम है, कौशल्या के राम है, सबरी के राम है, मेहनत करने गरीबों के राम है, हमारे राम उनके वो राम है, कोट राम है, युद्धक राम है, राम को रैम्बो बना दिया, हनुमान जी भक्ति शक्ति ज्ञान का अद्भुत संयोग, उससे बड़ा भक्त नहीं, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है ना, उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं, अब उसको ऐसा विद्युत चेहरा बना दिया उसी हनुमान जी, कभी ऐसा नहीं देखे हनुमान जी का सिर बदल रहा, तो ये समाज ये चीज बताता है, इनका चरित्र ये बताता है, ये हिंसा में विश्वास करते हैं, समाज में नफरत फैलाने में विश्वास करते हैं, और इसी कारण से समाज में आज बहुत सारे लोगों के दिलों में नफरत भर दी गई है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जबकि हमारे जो राम है जोड़ने वाले हैं, जिसमें राम राज्य की कल्पना की गई, जिसमें सब एक साथ रह सकते हैं, ऐसा चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, किसान हो, व्यापारी हो, सब भारत माता की संतान है, हम किसी में भेदभाव नहीं कर पाएंगे, उसको अधिकार दिलाने की बात करते हैं, जो वंचित है उसको अधिकार दिलाने की बात करते हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के उसको मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि हमने यहाँ विकास किया है, और ऐसे लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे राजनीतिक तौर से। पहला लाइन क्या बोले, नया राजधानी में, नया राजधानी में हमने उन्होंने विकास नहीं किया है बोल रहे, हाँ, कर्ज खजाने में कर्ज लिया है, नया रायपुर का विकास रुका है, मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि हमने यहाँ विकास किया है। अरे वो तो छाती ठोक के छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलते हैं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलने के लिए छाती ठोकने की जरूरत नहीं भाई। और दूसरी बात है, यदि नया राजधानी बनाया है, हमने कभी नहीं काम नया राजधानी बनाया है, कभी दावा ही नहीं किया, हम तो ये बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपया वहाँ लगा दिए है ना, और क्या बनाए हैं, माचिस की डिब्बी है ना, हवा चलती है तो मंत्रालय के दीवार हिलने लगती, पूरी खिड़की खड़खड़ाने लगती, भ्रष्टाचार का नमूना है, और आज तक बस नहीं पाया, 15 साल रहे क्यों नहीं बसा पाए। अरे रमन सिंह जी मुख्यमंत्री निवास में बनाता है, मंत्रियों के आवास में बनाता है, सचिवों के निवास में बनाता है, राज्यपाल के निवास में बनाया, बसेगा कौन, आज खंडहर पड़ा हुआ है। हम दावा नहीं कर रहे हैं नई राजधानी, हाँ नई राजधानी शिलान्यास श्रीमती सोनिया गांधी खातों से, जब जो कि जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की सरकार थी तब हम लोग, लेकिन सारे नक्शा उल्टा पुल्टा बना दिया, इतना महंगा बनाए हैं तो कोई सीमा नहीं। शुभारंभ हुआ मनेंद्र केंद्रीय भरतपुर और शक्ति जिला, इस प्रकार से कुल 33 जिला अब शक्ति जिला बन गया है, बहुत उत्साह है लोगों में, रोज शो में पूरे शहर के लोग जिले के लोग आए थे, फूल मालाओं से फुलादा ही पुष्प वर्षा भी की, कहीं मिठाई खाओ रहे हैं तो कहीं पर
नड्डा जी आज आए और उन्होंने महंगाई बेरोजगारी के कुछ नहीं बोला, तो इस पर कुछ नहीं, लेकिन इसका ही वाक के बारे में जरूर इस इसका ही वाक खाना चाहते हैं। यदि खाना चाहते तो पौने चार साल हो गए, फिर खा चुके। ये रमन सिंह और राजेश मुंडे कमीशन को एक स्मारक, उसको हम लोग नहीं खाएंगे, चिंता मत करें। दूसरी बात जो आपने भी जानकारी दी, कभी उनका अधिवेशन भी चल रहा है, तीन दिन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। आज रोड शो भी हुआ, सभाएं हुई, और इस बीच में वीरेंद्र सिंह जी यहाँ के प्रभारी घंटा चलाती थी, लेकिन अब वो उसको बता दिया गया, तो अब वो दूसरा बिहार से जो दीदी क्या नाम नितिन नदीन, अब उसकी भी पारी है, क्योंकि जब से अजय जामवाल जी आए हैं तब से प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रत्यक्ष बदल रहे हैं, अब प्रभारी भी बदल पा गए, अब ये दीदी जी की भी बारी है, वो कितने दिन बचते हैं वो देखना पड़ेगा। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा में आप रावण जी चेन्नई गए, जहाँ राजीव जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद दोपहर बाद वो कन्याकुमारी पहुँचे। कन्याकुमारी में जहाँ विवेकानंद जी के स्मारक बने हैं, वहाँ हम लोग मर्ग गए। उसके बाद आए गांधी मंडप में गए, रामराज नारायण का मंडप बना है वहाँ गए, और उसके बाद पदयात्रा अशोक गहलोत जी और स्टालिन जी और मैंने जिन्होंने राष्ट्रीय कोष राहुल जी को दिया, और फिर यात्रा की शुरुआत रामसभा हुई, और दूसरे दिन सुबह 7 बजे से यात्रा शुरू की, 13 किलोमीटर 3.5 घंटे बिना रुके सबसे मिलते हुए सड़कों के लोग थे, हजारों की तादाद में इस गांव से गुजरते थे सारे लोग, घर से छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएँ हों, सब लोगों ने राहुल जी का गाँव के आपकी स्वागत किया। ज़बरदस्त उत्साह है भारत जोड़ो यात्रा जो है, और आज तीसरा दिन है, तो सबने आज बहुत उत्साह बढ़ रहे, और पूरे देश की निगाह राहुल जी की पड़ जाता है। सर नड्डा ने आपको ही कोट करते हुए एक बयान दिया है कि कांग्रेस के भूपेश बघेल जैसे नेता भाई को भाई से लड़ाते हैं, जाति से जाति लड़ाते हैं, और भ्रष्टाचार के सहारे लोगों को गुमराह करते हैं। ये बड़ा बयान उन्होंने और अपने ट्वीट पे भी इन्होंने डाला है। अच्छी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी देश के मुख्यमंत्री के 9 बार नाम ले, इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं ये समझ आ जाता है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ स्थिर है, स्थायी है, और आगे आने वाले समय में रिपीट होगी। और दूसरी बात, जहाँ तक के आरोप लगाने की बात है, वो रमन सिंह किसी से बोल नहीं सकते, इसका ही वाक का उन्होंने उदाहरण दे दिया, इसका ही वाक के बारे में सब जानते हैं, कमीशन पूरी तरह से वो बना है राजेश मुंडा के द्वारा, रमन सिंह जी का भ्रष्टाचार के द्वारा पिछली सरकार के बारे में बता रहे हैं, खूब शोषण छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी ने किया, और तो उगाही की, जब भी चुनाव होता था वो ब्लॉक लेवल तक उगाही करते थे, और भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा था,
नान भी घोटाला, खान भी घोटाला, खदान भी घोटाला, कहाँ का घोटाला नहीं हुआ। जांच करने के बाद वो कोर्ट चल लेते, हिस्ट्री ले आते, जांच नहीं होना चाहिए। मैं पहली बार देखा हूँ भ्रष्टाचार की जांच नहीं होना चाहिए, इसलिए हिस्ट्री लेते हैं भूतपूर्व इसके नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक। ऐसी बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है।